किडनी के मरीजों को अक्सर उनकी डाइट में परहेज करने होते हैं, क्योंकि जिनकी किडनी डैमेज होती है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होता है। इसके लिए उन्हें हमेशा ऐसी डाइट दी जाती है जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किडनी ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा में। जहां हम किडनी और किडनी से जुड़ी कई जरूरी जानकारी आपको देते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्रोटीनूरिया के मरीजों को कौन से फल खाने चाहिए। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। प्रोटीनूरिया एक ऐसी समस्या है जिसमें बॉडी से प्रोटीन की अधिक मात्रा यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाती है। इसके बाद शरीर में कमजोरी और थकान जैसी परेशानी हो सकती है। इसके लिए प्रोटीनूरिया के मरीज अपनी डाइट में कुछ फलों को शामिल कर सकते हैं, जिसमें पहला है सेब। प्रोटीनूरिया की समस्या में सेब का सेवन फायदेमंद माना जाता है। सेब का सेवन आपको डायबिटीज, हार्ट डिजीज, अस्थमा, उच्च रक्तचाप और कैंसर जैसी समस्या से बचाने में मदद करता है। सेब में एंटीऑक्सीडेंट के प्रभाव पाए जाते हैं जो आपको स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। किडनी के मरीज सेब का सेवन कर सकते हैं। दूसरा है पपीता। पपीते में फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण होते हैं जो आपके शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देते, जिससे आपका ब्लड साफ रहता है। जब आपका ब्लड साफ रहता है तो इससे आपकी किडनी भी अपना काम सही तरह से कर पाती है, जिससे आप प्रोटीनूरिया की समस्या से दूर रहते हैं। जिन्हें प्रोटीनूरिया की समस्या है ऐसे मरीज पपीते का सेवन कर सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में। अगला है नाशपाती। प्रोटीनूरिया के मरीज अपनी डाइट में नाशपाती का सेवन कर सकते हैं। इसमें सीमित मात्रा में पानी होता है जो आपकी किडनी को सही से डिटॉक्स करता है, जिससे आप प्रोटीनूरिया की दिक्कतों से दूर रहते हैं। नेक्स्ट है अमरूद। जिन्हें प्रोटीनूरिया की समस्या है ऐसे मरीज अपनी डाइट में अमरूद को शामिल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उन्हें इसका सेवन बीज निकाल कर ही करना है। नेक्स्ट है बेरीज। प्रोटीनूरिया के मरीज अपनी डाइट में बेरीज खा सकते हैं। इससे वो यूरिन में प्रोटीन की अधिक मात्रा से बचे रहते हैं और उनकी किडनी भी डैमेज नहीं होती। प्रोटीनूरिया के मरीज अपनी डाइट में अनानास को भी शामिल कर सकते हैं। इससे आपकी किडनी सही तरह से डिटॉक्स होती है और आप यूरिन में प्रोटीन की समस्या से बचे रहते हैं। नेक्स्ट है लाल अंगूर। प्रोटीनूरिया के मरीजों को अपनी डाइट में लाल अंगूर को भी शामिल करना चाहिए। लाल अंगूर में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं। साथ ही इसमें पाया जाने वाला पानी आपकी किडनी को सही तरह से डिटॉक्स करता है, जिससे आपकी यूरिन में प्रोटीन की मात्रा कम होती है। तो ये है कुछ फल जो प्रोटीनूरिया के मरीज अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ध्यान रहे सभी मरीजों की रिपोर्ट्स अलग अलग होती है, इसलिए ये फल अपनी डाइट में लेने से पहले आप डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह जरूर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपके लिए काफी लाभदायक होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। जी, क्या नाम है पेशेंट? जितेंद्र कुमार। आप ही है ना पेशेंट? जब आए थे क्या क्या प्रॉब्लम्स थी मतलब आपको? उसमें प्रॉब्लम तो मैंने एक रिपोर्ट का ही था कि उसमें डीएफआर कंटीन्यूअसली डिक्रीज हो रहा था, था। और बीपी का था। बीपी कम है। साइज वगैरह भी किडनी का? हां, साइज काफी श्रिंक हो गया था साइज तो उसमें सही है। आगे लिखा हुआ है इसके अंदर, ये टेस्ट इन्होंने कराया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड स्कैनिंग से। इसके अंदर जो इनका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट था दैट वाज अबाउट 28 ml पर मिनट का। 28 ml इनकी किडनी एक मिनट में फिल्टर कर रही थी लगभग। और ये टेस्ट इन्होंने कराया था, कहाँ से कराया था आपने? नेशनल इंस्टीट्यूट। हाँ, ये ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली से इन्होंने टेस्ट कराया है। और ये जो टेस्ट है ये है 11 फरवरी 2017 का टेस्ट है। अभी इन्होंने फिर ये दोबारा से इन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया 4-5 मंथ्स पहले 6 मंथ्स पहले। और इन्होंने अभी टेस्ट कराया है 18-1-2018 में 27 बढ़ा। हाँ, 27 ml का फिल्ट्रेशन बढ़ा। 47.3 ml अभी इनकी किडनी फिल्टर कर रही है। 47.3 लेफ्ट किडनी अभी फिल्टर कर रही है 21.6, राइट किडनी कर रही है 25.54। और यही अगर हम पहले वाली रिपोर्ट में देखें तो पहले इनकी जो
जो ग्लोबल फिल्ट्रेशन था 28 था, दोनों किडनीज का मिला के 28 था, और अब तो ये इनकी राइट किडनी ही 25.5 के आसपास फिल्टर कर रही है, यानी कि बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। ऑलमोस्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है, जो किडनी का फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी है, वो डबल हो गई है। GFR विच इज़ कंसिडर्ड कि इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग बाय इटसेल्फ, किडनी फंक्शन जो है वो डिटोरिएट होता चला जाता है। एक तो वो डिटोरिएट नहीं हुआ, और दूसरा ये इम्प्रूवमेंट्स भी आई, और ये इम्प्रूवमेंट्स रिपोर्ट्स में विजिबल हैं कैसे कैसे GFR पेशेंट का इम्प्रूव हुआ है।